Hi everyone, my name is Ashwara Singh and welcome back to Chikis. I have received so many questions, be it on Telegram, on WhatsApp, so amazing word of support in our comment section. So thank you so much. जब आप हमारे content को support करते हैं, आप हमारे vision को भी support करते हैं, and that is to provide you with realistic and honest guidance so that you can clear this examination in first attempt. हमारी यही इच्छा है कि आप beginner हो या intermediate level में हो, आप कुछ सालों से इस प्रिपरेशन में हो, यू गेट इन टू द सर्विसेज एंड अचीव योर ड्रीम्स. नाउ इन दैट क्वेश्चन बैंक दैट वी रिसीव्ड इन द पास्ट फ्यू डेज, आई सॉ अ कॉमन सब्जेक्ट बीन मेंशन्ड ओवर एंड ओवर अगेन, एंड दैट वाज हिस्ट्री. मैम, हिस्ट्री कैसे प्रिपेयर करें? क्या हिस्ट्री प्रिपेयर करना जरूरी है? क्या उसको इग्नोर किया जा सकता है? ऊपर ऊपर प्रिपरेशन कर लूं तो चलेगा? बहुत और भी ऐसे सवाल पूछे गए थे, कौन से सोर्स पढ़ने चाहिए एक्सेट्रा. सो इस वीडियो में मैं एंशियंट और मीडिवल हिस्ट्री के टॉपिक्स, जो सिलेबस है उसको ब्रेक डाउन करूंगी, उन टॉपिक्स को किन सोर्सेज से प्रिपेयर करना है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे, एंड जितने भी इंपॉर्टेंट सोर्सेज है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन द वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज, मैम न्यू एनसीईआरटी या ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े? फॉर एंशियंट एंड मीडिवल हिस्ट्री you have to study old NCRT. I will never tell you to touch new NCRTs. I will never ask you to go to 6th standard ki NCRT. aap in do NCRTs class 11th ki hai, both for ancient and medieval ko le, aur isko ekdam acche se read kare. pehli reading mein don't try to be very very intense, don't try to highlight anything, just try to understand. especially ancient history ke jo pehle 3 chapter hai, they are very informative. jo aapka ek sawal hai ki kyun padhna padta hai history, uska jawab aapko in pehle 3 chapters mein mil jata hai. and then there is medieval history jo bahut zyada difficult lagta hai, aisa lagta hai it's too lengthy. so what I've done is main aapko ek list dungi in topics ko bilkul is chronological order mein. history mein hame timeline ko respect karna hai ki pehle event kya hua, uske baad kya hua, and so on and so forth. so sabse pehle I'll give you the list of sources that you have to follow for both the subjects, and the bonus part of this video is ki you get to understand art and culture ke liye kya padhna padega. kya separate preparation uski karni chahiye, ya jis chapter ko hum padh rahe hain उसी में हम उसी चैप्टर के आर्ट एंड कल्चर को भी रेलेवेंट एक किसी सोर्स से कंप्लीट कर दें. सो इट डिपेंड्स कंप्लीटली. मैं दोनों ऑप्शंस आपको दूंगी जिससे आप खुद भी अपना एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्यूरेट कर सकते हैं आउट ऑफ दिस स्ट्रैटेजी वीडियो जो आप देख रहे हैं, या तो फिर यू कैन फॉलो इट एज इट इज बीन गाइडेड टू यू. सो सबसे पहले हमें ओल्ड एनसीईआरटी को पढ़ना है. एंड नाउ फॉर आर्ट एंड कल्चर देयर आर टू सोर्सेस. कल्चर आई एम गोइंग टू गिव यू टू ऑप्शंस. ये दोनों क्लासिक रिसोर्सेज को तो लोग भूल ही गए हैं. सिर्फ मार्केट में हर साल नए नए बुक्स आएंगे, नए नए मटेरियल्स आएंगे, एंड ऑल ऑफ दोज मटेरियल्स आर टू हेल्प यू. बट इतने सारे ऑप्शंस होते हैं कि समझ ही नहीं आता कि कौन सा पढ़ूं, एंड किसमें यू नो रेलेवेंट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन दिया गया. आर्ट एंड कल्चर में आपको पीएचडी नहीं करनी है, राइट? आपको सिर्फ ये समझना है, फॉर एग्जाम्पल भरतनाट्यम, तो इसका ओरिजिन कहां हुआ, ये डांस फॉर्म क्या एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, इसके पोजेस का क्या मतलब है, जो डांसर है वो कौन से आउटफिट पहनते हैं. तो जस्ट देख के विजुअली अगर आप देख रहे हो तो आपको समझ आ रहा है यू वॉचिंग भरतनाट्यम, यू नो. सो बस इतना ही ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग हमें चाहिए, इसमें पीएचडी नहीं करनी है आपको. तो ऐसे दो सोर्सेज मैं आपको बता रही हूं जो आपका पूरा आर्ट एंड कल्चर, यानी एंशियंट पीरियड का एक कॉम्प्रेस जगह पे, मीडिएवल हिस्ट्री का एक कॉम्प्रेस जगह पे, इन कॉम्प्रेस चैप्टर्स के फॉर्म में कंप्लीट करेगा. वो है एक है सीसीआरटी, दैट इज सेंटर फॉर कल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड दूसरा रिसोर्स जो है वो है एनआईओएस, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग. इन दोनों रिसोर्सेज में से कोई एक आपको चुनना है. सिर्फ चोजन के आपको सीसीआरटी से एंशियंट हिस्ट्री पढ़ना है या एनआईओएस से, आपको हार्ड कॉपी लेनी है या आपको वेबसाइट से ही डायरेक्टली पढ़ना है, योर चॉइस. You will start your preparation of history from ancient history का chapter number 1 using that NCRT जो आपने अभी भी देखी, that is the old NCRT. See, history को chronological order में ही पढ़ना सही रहेगा. Do not try to you know pick and choose the topic that you want to read. आज मैं गुप्ता period समझूंगा, फिर मौर्य पढ़ूंगा, and you know it will be a mess. You will not be able to interlink, ठीक है, what was happening, the reasons behind how the times changed or what were the circumstances in a certain period. so chronological order mein isko approach karenge. pehla hai pre history ka topic. ab pre history mein kya padhna hai aapko, alag alag phases padhne hain jisme human being cave se town ki taraf settle hone aa rahe. to sabse pehle wo cave mein rehte the, wo hunting pe rely karte the, theek hai.
सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द टूल्स दैट दे वर यूजिंग. सो पैलियोलिथिक जो एज है उसमें तीन सब फेजेस हैं, उसको तीन हिस्सों में पढ़ा जाता है. पहला है लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड देन द लास्ट वन इज अपर पैलियोलिथिक. अब इसका लॉजिक क्या है इस तरीके से इसको डिवाइड करने का या सब कैटेगराइज करने का. जो लोअर पैलियोलिथिक एज है जिसको अर्ली पैलियोलिथिक भी एज बुलाते हैं, वो एक्सकेवेशन में सबसे नीचे लेयर पर मिला था. यानी क्या, बहुत ज्यादा डेप्थ में खुदाई की गई थी तब वो टूल्स जाके हमको मिले थे. जो बीच का लेयर है ठीक है एक्सकेवेशन का, उसमें से मिडिल पैलियोलिथिक एज के टूल्स मिले थे. और जो अपर ऊपर के लेयर, ज्यादा एक्सकेवेट करना नहीं पड़ा, बस ऊपर थोड़ा सा एक्सकेवेशन किया और आपको टूल्स मिल गए, उसको आप बुलाते हो अपर पैलियोलिथिक एज के टूल्स. सो सी देयर इज अ लॉजिक हियर. ऐसा नहीं है कि आपको रटना पड़ेगा इनको. अब आप समझ गए कि किस क्रोनोलॉजी में एक्सकेवेशन हुआ था, उस क्रोनोलॉजी में इसको तीन फेजेस में डिवाइड कर दिया. सो कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज नीडेड इवन इन हिस्ट्री. और ये तो बस एक एग्जांपल है. दूसरा चैप्टर जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का, व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ द सिविलाइजेशन एंड हाउ द सिविलाइजेशन डिक्लाइन या वैनिश्ड, उसके पीछे भी लॉजिक है. मैंने एक वीडियो डाला हुआ है डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. यू गाइस आर लाइकिंग इट, यू आर वॉचिंग इट. सो इफ यू वॉन्ट यू कैन गो एंड सी इट. इट्स अ शॉर्ट वीडियो, ऐसा नहीं कि बहुत डिटेल में समझाया, दो मिनट का कुछ वीडियो है, आप जाके उसको देख सकते हैं. लेकिन उससे भी ज्यादा इन डिटेल आपको क्लैरिटी मिलेगी आपके एंशियंट हिस्ट्री के एनसीईआरटी से. देन मूविंग ऑन, द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट ऑफ मौर्यन एम्पायर, देन पोस्ट मॉडर्न इंडिया, गुप्ता पीरियड, हर्षवर्धन पीरियड एंड देन द संगम पीरियड. सो अगर हर्षवर्धन पीरियड पे आपको लगे कि थोड़ा कॉन्टेंट कम है, यू नो योर फीलिंग मे बी थोड़ा और इन्फॉर्मेशन मिल पाता, तो आई विल बी अपलोडिंग सम मटीरियल्स ऑन हर्षवर्धन का टॉपिक. यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम आर टेलीग्राम चैनल. अपकमिंग वीक्स में बहुत सारे पीडीएफ आने वाले हैं, सो डू नॉट मिस इट. गो टू द टेलीग्राम चैनल एंड डाउनलोड दोस मटीरियल. सो वैदिक पीरियड की दो सब कैटेगरीज है, दो फेजेस हैं. पहला है अर्ली वैदिक पीरियड, दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड. अब अर्ली वैदिक पीरियड को ऋग वैदिक पीरियड भी बुलाते हैं. क्यों? उस समय ऋग्वेद लिखा गया था. एंड देन रेस्ट ऑफ द थ्री वेद्स जो है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वो लेटर वैदिक पीरियड में आ रहे. इसलिए इस तरह से दो फेजेस बनाए गए. ठीक है, पहला जो फेज है उसमें विमेन का स्टेटस क्या है सोसाइटी में, पॉलिटिकली क्या क्या हो रहा है वहां पे, क्या राजा रानी की प्रथा थी, यू नो, क्या एम्पायर्स या मोनार्की वॉज एग्जिस्टिंग एट द टाइम, कास्ट सिस्टम था नहीं था, इकोनॉमी कैसी थी उस समय की. तो वो चीजें आपको समझनी है. अब आपको ये पढ़ना है कि जब मैं चैप्टर पढ़ रहा हूं तो मेरे लिए रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन कौन सा है. अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इकोनॉमी, पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफ दिस डिफरेंट फेजेस एंड एम्पायर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी लाइक दीज आर वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स ऑफ यूपीएससी टू आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम. तो अंत में इस वीडियो के आप देखेंगे कौन से टॉपिक्स बिल्कुल नहीं स्किप करने हैं, बिल्कुल भी नहीं, और इन डिटेल उसको पढ़ना है. क्योंकि बार बार पिछले पांच साल में यूपीएससी ने इन टॉपिक्स को रिविजिट किया और उसमें से क्वेश्चंस पूछे, चाहे वो डायरेक्टली पूछे या इनडायरेक्टली पूछे, पर इन टॉपिक्स पे यूपीएससी की नजर होती है और हमें इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है. ठीक है, ऋग वैदिक लेटर वैदिक पीरियड पढ़ने के बाद देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. इन दोनों को प्रिपेयर करने के लिए यू कैन रिलाय ऑन योर एनआईओएस का जो मटेरियल है उस पे, क्योंकि इसमें यू नो पूरा डिटेल में इन रिलीजन को समझाया गया है. या तो आपकी एनसीईआरटी में भी अच्छा खासा कवरेज है और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है. अगर मुझे लगेगा कि लेट्स से आपके एनसीईआरटी में कुछ पोर्शन है जो थोड़ा और इलैबोरेट कर सकते थे, तो वो पोर्शन में पीडीएफ फॉर्मेट में डाल दूंगी, आप उसको वहां से डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम चैनल से. एज सिंपल एज दैट. यू डोंट हैव टू डू मास्टर्स इन अंडरस्टैंडिंग बुद्धिज्म, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द पर्पस, व्हाई डिड इट इवन कम इनटू एक्जिस्टेंस एंड हु वाज द पर्सन हु ब्रॉट दिस इनटू एक्जिस्टेंस. सिंपल. ठीक है, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड दैट बुद्धिस्ट एंड जैन जो कम्युनिटीज है, दे आर इन माइनॉरिटी इन द कंट्री. So you have to understand their culture, try to preserve all these cultures, and it's a part, it's a color of our culture, one of the colors. So we have to protect it. And उसको समझे बिना अगर आप उसको protect करने की कोशिश करेंगे या उसके लिए कोई policy बनाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है it might not be accepted. So there are a lot of things in current affairs that helps you in understanding कि भाई history समझ लो तब आप ये current event समझ पाएंगे. और अगर मान लीजिए कोई disagreement आ रहा है from the side of the people of the
ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, देन यू एबल टू अंडरस्टैंड कि यार मैंने कहीं कौन सा सेंटिमेंट हर्ट कर दिया. कोई कल्चरल सेंटिमेंट तो हर्ट नहीं हो रहा है, कोई रिलीजियस सेंटिमेंट तो हर्ट नहीं हो रहा है इन योर डिसीजन मेकिंग. इसीलिए इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना और समझना जरूरी है. एंड देन यू हैव महाजनपद का पीरियड, ये भी अच्छे से कवर किया गया है. वेन ट्राइबल सिस्टम जो था, जैसे एक कबीला है और उसके सरदार थे, अब वो सिस्टम से हटते हुए हम जा रहे हैं एम्पायर के सिस्टम पे, मोनार्की के सिस्टम पे. राजा का बेटा राजा बन रहा है एंड वॉर हो रहे हैं, जमीन के लिए लड़ाई हो रही है. जिसके पास जितनी जमीन उतना रिच, उतना फेमस, उतना पावरफुल है वो राजा. तो इस तरीके से अलग अलग इंपॉर्टेंट पावरफुल प्रोविंसेस बने, जनपद बने, उनको समझना भी जरूरी है. मगध इज वन ऑफ देम दैट यू विल स्टडी स्टार्टिंग फ्रॉम दैट चैप्टर ऑफ मॉडर्न एम्पायर. उसमें आप समझेंगे हाउ पावरफुल वॉज मगध एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट वॉज फॉर आर कंट्री एंड आर हिस्ट्री. मूविंग ऑन, विल लुक एट सम मीडिएवल हिस्ट्री के टॉपिक्स. इसको अच्छे से समझना है. मैंने क्या किया है ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको लगा दिया है. आपको अगर मीडिएवल हिस्ट्री को डिवाइड करना है, यू नो यू हैव टू डिवाइड योर पोर्शंस कि मैं ये टॉपिक कितने दिन में खत्म करूं, तो इन तीन पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो. पहला है 500, गुप्ता एम्पायर इज कंकर्ड बाय द हूनास, मतलब गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन से कहानी शुरू होती है मीडिएवल हिस्ट्री की. उसके बाद 730, गुर्जर प्रतिहार का जो डिनेस्टी है जिन्होंने नॉर्दर्न इंडिया को काफी ज्यादा कॉन्कर किया हुआ था, उनकी हिस्ट्री आपको समझनी है. फ्रॉम देन यू विल गो टू 800, दैट इज राष्ट्रकुटा डिनेस्टी. देन पाला, जो साउथ के जो डिनेस्टीज है. 1010 में यू विल स्टडी देयर वाज अ डिनेस्टी रादर ऑफ चोला. So you have to understand that Chola Empire has been in the news a lot in the last year. You know, almost the year is over, so that is the reason I'm saying last year. That is 2022-23 में काफी चर्चा में रहा है. Then 1050 में there is Lakshmikarn of Tripuri rules. ये भी बहुत बहुत important chapter है in medieval history, या topic है that you have to study. 1206 में Delhi Sultanate comes. 1336 में there is Vijayanagar Empire. That is trying to resist the Muslim conquest. And in 1526, you study about Mughal Empire. And then from there, you start moving towards modern India. So, ye chronology and medieval history ki, in topics ko to bilkul skip nahi karna hai. Varna samajh nahi aayega, interlink hi nahi kar payenge ki ho kya raha hai. ठीक है, काफी स्टूडेंट्स तो ये क्वेश्चन पूछते हैं, मैम दिल्ली सल्तनत पहले आए कि मुगल एम्पायर. सो क्रोनोलॉजी, टाइमलाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. राइट, नाउ आई विल गिव यू योर टाइम टेबल कि किस तरीके से आप सिर्फ 30 दिन के अंदर इन सारे एस्पेक्ट, सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं. So you can see here in the table there are topics of ancient history and then mention kiye gaye. So on day one you'll be studying prehistoric times ka chapter from your NCRT. Day two you'll be studying Indus Valley Civilization. 3 and 4 you'll be spending reading Mauryan Empire. Day 5 for post-Mauryan India. Day 6 and 7 you'll study Gupta period. Day 8 Harshvardhan period. Day 9 Sangam period. Day 10 Rig Vedic period. On day 11 you'll be studying later Vedic period. On day 12 you'll be studying Buddhism. On day 13 you'll be studying Jainism. Day 14 you'll be studying the Mahajanpat period. And 15 and 16th day pe you'll be spending time in studying art and culture topics of ancient history. Moving on to medieval history ke topics. On day 17, you'll be doing Gurjar Pratihar dynasty ka topic. On day 18, you'll be studying Rashtrakuta dynasty. Day 19, you'll be doing Pala Empire ka chapter. Day 20, you'll be spending your entire day studying about Chola, Chera and Pandya dynasty. They keep playing a cameo role in each other's story. So it's very interesting and please do not miss it. Do read it well. On day 21, you'll be doing Lakshmikarn of Tripuri rules. Then day 22nd, ko Delhi Sultanate ka topic hai. Do not go into too much detail. Just read about their administration, their economy, their political setup, who was the king, who was the successor, who was the predecessor, some qualities, some, you know, important work that the king has done, all of that important features you have to keep in mind. Also take an extra day if needed to complete your Mughal Empire ka chapter. So day 25 bhi aap use kar sakte ho for studying or completing that chapter. Because we have buffer days here, we have some days left. Slot should look like ki aap 2 slot ya 3 slot mein padh rahe ho, 2 hours each ke. Jisme possibility hai ki aap bahut acche se cover kar loge. Time lag raha hai to aap extra day ka use kijiye, but do not compromise on accuracy. Moving on, there will be art and topics ke jo medieval history ke topics hai, you can do it on day 25 or 26.
एंड रेस्ट ऑफ द डेज में यू आर गोइंग टू लुक एट द कंपाइलेशंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गिव्स यू अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ किस तरह से कैसे कैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं. कहीं पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत है, कहीं पे फैक्ट्स को आपको याद रखने की जरूरत है. सो यू विल जस्ट अंडरस्टैंड द पैटर्न वेल. एंड रही बात द क्वेश्चन कैन आई स्किप हिस्ट्री, कैन आई टेक इट लाइटली, आई वुड नॉट एडवाइस दैट. नन ऑफ द सब्जेक्ट शुड बी टेकन एवर लाइटली, बट हिस्ट्री तो बिल्कुल भी नहीं. यू कैन सी द वेटेज इन फ्रंट ऑफ यू. पास्ट जो 5 years, 6 years का ट्रेंड रहा है, इट इज़ अ सिग्निफिकेंट टॉपिक, बी इट एंशियंट हिस्ट्री, मीडिवल हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन. नाउ लेट्स लुक एट सम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन एंशियंट हिस्ट्री विच यू कैन नॉट स्किप एट एनी कॉस्ट. इट कैन कॉस्ट यू दोज एक्स्ट्रा 2 to 4 or even 6 marks in your prelims that will help you to qualify for mains stage. तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है. इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है और बार बार रिवाइज करना है. That is Indus Valley Civilization, Rig Vedic period, Later Vedic period, Jainism, Buddhism, Mahajanapad का जो टॉपिक है, Mauryan Empire, Post Mauryan Age, India, Satavahana, Shakas, Kushans के बारे में आपको पढ़ना है. गुप्ता पीरियड है, स्पेशली फॉरन ट्रैवलर्स ने जो टेक्स्ट या जर्नलिंग लिखी है या उस एम्पायर के बारे में डिस्क्रिप्शन किया है उसको समझना है, उसको अच्छे से रिवाइज करना है. देन हर्षवर्धन का टॉपिक एंड ऑफकोर्स संगम पीरियड. सो डू नॉट स्किप एनी ऑफ देम, रीड देम accurately, understand the facts well, and then revise them as many times as possible. And moving on to the topics, most important topics of medieval history, you should never skip these ones. North Indian ke kingdoms jo hai, unko bilkul skip nahi karna hai. Kingdoms of Deccan hai, Delhi Sultanat ka topic hai, Islamic kingdoms hai jo India mein the, Vijayanagar Empire, Bhakti and other cultural and religious movement ke topics hai. Pura chapter hi hai, aaram se aap pad sakte ho usko. And Mughal and Sur ka jo rule hai, till the point that Europeans are arriving, वहाँ तक के जो topics है, जो transitioning phase है from medieval to modern, वहाँ तक ये major topics को और sub topics को आपको पढ़ना है और multiple time revise करना है. So that is it for the video. Thank you so much for watching the video, and I'm going to come up with very very interesting current affair topics also. Academic point of view समझना ज़रूरी है उन topics पे, तो do stay tuned for that. I'll see you in the next one.